वो ऐसी है त्रक सखा, त्रक सखा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आजकल बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, जिसको आपके बारे में सारा नॉलेज हो, वो कौन थे? उद्धव जी। उद्धव जी हर बात में सेम, दिखने में सब चीजों में सेम ठाकुर जी जैसे थे, लेकिन एक ही कमी थी, वो क्या कि उद्धव जी हर चीज में सबसे ऊपर ज्ञान को मानते थे, लेकिन ज्ञान से भी ऊपर एक और है, क्या? निस्वार्थ प्रेम। उद्धव जी सबसे ज्यादा ऊपर मानते थे ज्ञान को, बोला ज्ञान के मार्ग पे चलिए और ज्ञान के मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति कीजिए। उनकी नजर में प्रेम कुछ नहीं था। अब एक दिन जब बैठे हैं ठाकुर जी और इस भाव से कि आज कोई तो दिख जाए, आज कोई तो नजर आ जाए यमुना जी के किनारे, और ऐसा लग रहा है आज कि मानो यमुना जी का जो जल है वो ठहर सा गया, वो रुक गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना जी का वो प्राकृतिक जल है ही नहीं। आज कोई तो दिख जाए, आज कोई तो मुझे नजर आ जाए। और याद करते हैं यशोदा मैया को, याद करते हैं सब ग्वाल वालों को, गोपियों को, रोने लग जाते हैं जोर जोर से। और महाराज वो रो रहे हैं और रोते रोते ये भूल जाते हैं, आवाज लगा रहे कि मैं कहां, अरे श्री रामा रुक रुक हो, मैं भी आ रहा हूं, मधुमंगल जल्दी चल, जल्दी चल मैया, तेरे को बरजे की देरी हो जाएगी, गैया जल्दी ले चल। और जैसे ही उनको भान आता कि मैं कहां हूं, अब तो दोनों हाथों से अपने मुख को छुपा लेते हैं और हिचकियां ले लेकर रोने लग जाते हैं। जैसे हिचकियां सुनाई देती है उद्धव जी को तो दौड़कर आते हैं, अरे अरे भगवान आप रो रहे हैं, ये रोना धोना आपका काम थोड़ी, आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा उद्धव आज मुझे मेरी उस यशोदा माँ की बड़ी याद आ रही है। उद्धव मैं उसको 3 दिन के अंदर वापिस आने की बोल कर आया था, आज वर्षों बीत गए हैं, कैसे रह रही होगी मेरी यशोदा माँ, मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव मैं तेरे को दावे से कह रहा हूं कि आज भी मेरे जो बाबा है नंद बाबा, उसकी बहुत याद आ रही है, और आज भी वो नंगे पांव घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं उनके पास रहता था जानबूझकर नंगे पांव बाहर आ जाया करते थे, और उनको पता था कन्हैया आएगा जूतियां सर पर रख कर लाएगा, मैं जाता था बाबा को जूतियां पहनाता था और बाबा मुझे कंधे पे बैठा कर पूरी गांव में घुमाया करते थे। उद्धव मुझे बहुत याद आ रही है। और सुन उद्धव मैंने क्या बिगाड़ा था उन गोपियों का जो कि मैं जल्दी आने की बोल कर आया था, और कितना समय गुजर गया, कैसी रह रही होंगी वो गोपियां मेरे बगैर, उनको मैं जल्दी आने की बोल कर आया था। और सुन उद्धव क्या बिगाड़ा था मेरी उस राधे ने, जो कि उसको मैं ये कहकर आया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, आज वो कैसे रह रही होगी मेरी राधे 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 कहकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं कन्हैया। जैसे ही जोर जोर से रोने लग जाते हैं उद्धव कहते हैं, अरे ये रोना धोना आपका काम थोड़ी है, आप तो भगवान है, और सुनो आप समझा क्यों नहीं देते उन्हें अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को कि ये रोना धोना छोड़िए, ज्ञान के मार्ग पे चलिए। जैसे ही कहा आज ये कौन गवार बता सकता है जिन्होंने कन्हैया को गोद में खिलाया है, जिन्होंने
अपनी गोदी में लाला को खिलाया है, कौन गवार हो सकता है? अपने परम पिता के संपर्क में रहकर कोई गवार रह सकता है क्या? अनपढ़ कहा तेरे को कैसे पता वो अनपढ़ है? बोला रे आप तो गुरुकुल गए, वो कहां गुरुकुल गए होंगे अनपढ़ ब्रज वासी? तो कहा मैं तो एक साल ही तो गया था। बोले अरे आप तो स्वयं भगवान हैं, आप उनको समझाइए। तब इतना कहा उनको समझाइए तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो आप ही चले जाओ समझाने के लिए। बोले हाँ चला जाऊंगा। अब उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे वो तैयार होते हैं तो अब भगवान सबका हुलिया बता रहे हैं और अपनी पाग देते हैं कि ये ले जा, अपना पीतांबर देते, अपनी काली कमली देते हैं, ये तू ओढ़ कर जा। बोले क्यों, इनकी क्या आवश्यकता है? बोले ये ओढ़ कर तू जाएगा तो उनको लगेगा कि कन्हैया आ गया, कुछ देर के लिए तेरी तरफ देखेंगे, अगर तू ये नहीं ले जाएगा तो तेरी तरफ देखेंगे तक नहीं। और अब जाने की तैयारी करते हैं